Here we are, India's favorite game, youth's majority favorite game, the game which gave the people their identity, the game which make people a brand in India and worldwide. PUBG has been recently got banned. ये बैन इसलिए किया गया कि जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं ये उसको लेकर बैन किया गया है। ये बैन PUBG को नहीं है, ये बैन उन चाइनीज़ ऐप्स को है जो कि किए गए हैं। इंडिया और चाइना के बीच LAC पर जो कि हाई टेंशन मामला चल रहा है, उस मामले को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। प्रिटी मच गुड, बट भाई PUBG लवर्स के लिए तो नहीं सही रहता है। उनको तो बस यही दिखता है कि बैन हो गया, बैन हो गया। हमारा इकनॉमी जितना था, जो खर्च कर रहे थे लोग, वो सारा चाइना के शेयर्स में जा रहा था। बट देयर इज़ अ पॉइंट जो समझने वाला है, वो ये है जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी हम लोग बेचते हैं, ख़रीदते हैं UC, वो सारा UC जाता है चाइना के शेयर्स में। लेकिन वो शेयर्स चाइना का सिर्फ 10% है, ओनली 10%। और बाकी का जो हिस्सा है वो PUBG गेमिंग का वो कोरियन ले रखा है, कोरियन टीम ने, वो जो चलाती है PUBG। तो वो 10% टेंसेंट गेमिंग का जो हिस्सा है वो जो ले रखा है उन्होंने, अगर वो हट जाता है, वो कोई भी गेमिंग कंपनी, लॉफ्ट गेमिंग या और भी गेमिंग कंपनीज़ हैं, वो अगर अपने अंदर में 10% शेयर ले लेती हैं तो ये बैन तुरंत हट जाएगा। इस बैन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीमर्स आज स्टैब्लिश हैं, जो आज PMCO वाइल्ड कार्ड चल रहा है, PMCO रीजनल चल रहा है, PMBC चल रहा है, बांग्लादेश चैम्पियनशिप चल रही है, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि LAN है नहीं है। देखने वाली चीज़ ये है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हम लोग आगे अपॉर्चुनिटीज़ है। ई स्पोर्ट्स इंडिया में जो ग्रोथ पकड़ा था वो ग्रोथ रुक जाएगा। जो चीज़ इंडिया को मिल रही थी ई स्पोर्ट्स के थ्रू, नए टैलेंट्स मिल रहे थे, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट भाई ज़रूरी नहीं हर कोई गेमर हो, हर कोई खेलता हो, हर कोई PUBG प्रो हो, कोई एडिट्स कर रहा था, कोई उसका वर्चुअल इफेक्ट दे रहा था, कोई GFX, कोई लोगोस, बहुत इसमें स्कोप था। लेकिन ये बैन हुआ, गवर्नमेंट का था बैन, गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने भी सोच समझ के, भाई उनको पूरा देश देखना है, उनको LAC पर देखना है, जो हमारे सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं वो देखने हैं, उनको ये नहीं देखना है कि बच्चे खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। भाई देश से बढ़ के कुछ नहीं किसी के लिए। सोल्जर्स उन्होंने अपना शहादत दिया हम लोगों के लिए, और हम लोग PUBG बैन करके रो रहे हैं। ये नहीं है, बस वो 10% जो शेयर है चाइना के पास, वो 10% शेयर हटते ही PUBG वापस अपने इंडिया में आ जाएगा, वापस से वो स्मूथली रन करने लगेगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, या कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एकदम आराम से चिल मारो, रिलैक्स लो, वापस आएगा, बूम बाम करके मारेंगे। गुड नाइट।